हेलो राइडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज मैं आप लोगों के लिए दो गुड न्यूज लेकर आया हूँ। NS200 एंड बजाज पल्सर RS200 की मैन्युफैक्चर अभी बंद हो चुका है, बट अब शॉक्ड मत होना, NS200 एंड RS200 की जो नेक्स्ट जनरेशन मॉडल है वो अब लॉन्च होने के लिए प्रिपेयर्ड हो रहा है। दोस्तों देखो, 250 एप लॉन्च इवेंट पर मेरा कुछ फ्रेंड जो है बजाज के प्लान पर गया था, एंड उन लोगों के थ्रू मुझे पता चला कि NS200 एंड RS200 की जो मैन्युफैक्चर चल रहा था वो अब बंद हो चुकी है, क्योंकि NS200 की जो नेक्स्ट जनरेशन मॉडल है, RS200 की जो नेक्स्ट जनरेशन मॉडल है, मैन्युफैक्चर्ड के लिए प्रिपेयर्ड हो रहा है। और एक गुड न्यूज मैं अभी आपको देने वाला हूँ दोस्तों, जैसे कि रिसेंटली 220 एप डिसकंटिन्यू हो चुका है क्योंकि मार्केट पर 250 एप लॉन्च हो गया है, बट 180 एप अभी तक इंडियन मार्केट पर अवेलेबल है। आप चाहो तो 180 एप परचेस कर सकते हो, बट 2022 पर आपको 125 पल्सर एप लॉन्च होने जा रहे हैं दोस्तों। आप चाहो तो वो वाला मॉडल भी ले सकते हो जो बिल्कुल 220 एप की तरह लुक्स लेकर आएगा। अब बात करते हैं NS200 एंड RS200 पर क्या क्या चेंजेस एंड अपडेट आपको मिल जाएगा दोस्तों। सो फ्रंट से बात करते हैं, फ्रंट पर आपको जो है दोस्तों 110x70 का टायर मिल जाएगा 17 inches अलॉय के साथ, एंड फ्रंट पर आपको दोस्तों ट्यूबलेस रेडियल टायर मिलेगा दोस्तों, जो MRF की ओर से आएगा। एंड NS एंड RS दोनों बाइक्स की फ्रंट की अगर बात किया जाए, 300mm डिस्प्ले के साथ आपको मिलेगा, एंड टेलीस्कोपिक सस्पेंशन के साथ अभी तो आ रहा है, बट USD सस्पेंशन होगा दोस्तों, जो बाइक की कंफर्ट को और भी बेहतरीन कर देगा। एंड फ्रंट साइड की बात किया जाए, अगर हेडलैम्प की बात किया जाए दोनों बाइक्स की, सो RS200 की जो हेडलैम्प होगा वो LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प भी रहेगा, बट उसकी पावर थोड़ी सी इंक्रीज होने वाला है। एंड NS200 की हैलोजन हेडलैम्प अब बदल कर LED लैंप हो जाएगा। एंड दोनों बाइक्स के अगर मीटर कंसोल के बारे में बात किया जाए, सो बहुत ज्यादा चेंजेस आपको यहां पर मिल जाएगा, जैसे कि NS एंड RS दोनों बाइक्स के मीटर बिल्कुल सही रहेगा, बिल्कुल सेम टू सेम होगा, बट यहां पर आपको ब्लूटूथ नेविगेशन, जीमेल नोटिफिकेशन, SMS नोटिफिकेशन, एंड अपनी फोन को इससे कनेक्ट कर सकते हो। एंड RS200 के टक्कर अब यामाहा R15 V4 से होने वाला है, इसलिए RS200 पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी देखने को मिल जाएगा, स्लिपर क्लच, क्विक शिफ्टर जैसे ऑप्शन भी आपको RS200 पर मिल जाएगा। एंड आप बात करते हैं NS एंड RS200 के रियर की टायर साइज के बारे में। देखो, RS एंड NS200 एक पावरफुल मशीन होने के बाद भी यहाँ पर जो टायर साइज है ना, 130x70 का टायर बिल्कुल एक स्लिम सा लगता है, बिल्कुल इस पर जचता नहीं है। सो इसीलिए इस बार NS एंड RS200 की नेक्स्ट जनरेशन मॉडल पर आपको 140x70 का टायर मिल जाएगा 17 inches अलॉय के साथ, जो MRF रेडियल ट्यूबलेस टायर होगा दोस्तों। एंड रियर पर आपको जैसे 230mm का डिस्प्ले एंड डुअल चैनल ABS के साथ RS एंड NS200 नेक्स्ट जनरेशन मॉडल लॉन्च होगा। बॉडी ग्राफिक्स एंड कलर की अगर बात किया जाए, सो यहाँ पर बहुत ज्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट फेयरिंग पर थोड़ी बहुत चेंजेस आप लोग नोटिस कर सकते हो, जैसे कि इंजन का ऑयल चेंज होने वाला है, फ्रंट की जो मडगार्ड है वो डोमिनर की तरह दिखने वाला है, रियर की जो मडगार्ड है वो चेंज होने वाला है, एंड टेल टायर आपको थोड़ी सी अट्रैक्टिव लगेगा, पहले की तरह ही आपको थोड़ी सी अट्रैक्टिव दिखने वाला है दोस्तों। एंड जो इंजन की जो कावल है साइड फेयरिंग, वहां पर आपको थोड़ी बहुत फेयरिंग नोटिस कर सकते हो। RS200 पर RS200 की जो फेयरिंग होगा वो बिल्कुल सेम रहेगा, बट थोड़ी बहुत चेंजेस आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हो, कलर ऑप्शन आपको न्यू कलर ऑप्शन मिलेगा, एंड ग्राफिक्स थोड़ी बहुत चेंजेस यहाँ पर होता रहेगा, जो बजाज हमेशा करता है कि ग्राफिक्स एंड कलर की थोड़ी बहुत चेंजेस वो लोग करता रहता है। सो वो लोग न्यू बाइक दे रहा है, सो ग्राफिक्स का चेंजेस तो होगा ही होगा। एंड RS200 एंड NS200 सेम डेट सेम टाइम पर लॉन्च होगा दोस्तों, क्योंकि 250 एप एंड N250 सेम टाइम सेम डेट पर लॉन्च हुआ था, जैसे वैसे भी आपको RS200 लॉन्च इवेंट देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आज का वीडियो यही तक था, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को मेरा सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों के साथ भी ये वाला वीडियो जरूर शेयर करना। तो चलिए मिलते हैं अगले कोई वीडियो में, तब तक अच्छे से रहना, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।